मुझे लगता है ये विपक्ष की विरोधाभासी बातें हैं। प्रधानमंत्री सत्र प्रारंभ होने के पहले मणिपुर जैसे मामले में या महिला उत्पीड़न के मामले में बड़ी संवेदनशीलता और दृढ़ता के साथ अपनी बात कह चुके हैं। अब राज्य के देश के अनेक राज्यों से महिला उत्पीड़न के समाचार आ रहे हैं जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं मानता हूं कि सदन में इस बात के लिए चर्चा होनी ही चाहिए और इसलिए विपक्ष को ये रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। जवाब कौन देता है, संसद की परंपराएं हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि महिला उत्पीड़न के ये दुर्भाग्यपूर्ण जितने भी चित्र हमारे सामने देश के अनेक राज्यों से आ रहे हैं इस सब पर चर्चा होनी ही चाहिए। उसमें मणिपुर भी एक है जिस पर चर्चा होगी। INDIA महागठबंधन का जो मोर्चा है और BJP भी इस मणिपुर और वेस्ट बंगाल और अन्य राज्यों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आमने सामने ये प्रोटेस्ट है, लेकिन जवाबदेही क्या रहेगी ये सवाल है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इस प्रोटेस्ट में भी। नहीं, मुझे लगता है कि संसद सत्र चले तो बाहर ये चित्र देखने को नहीं मिलेगा, तो बेहतर तरीका होगा कि हम संसद में बातचीत करें और हम अपनी जितनी भी जानकारियां हैं उनको शेयर करें, और जो रास्ता बेहतर से बेहतर हो सकता है महिला सम्मान के लिए उस बात के लिए सदन एकमत हो। क्योंकि विपक्ष ये भी कह रहा है कि वीरेंद्र सिंह जो अपने पद पर है उनके रहते हुए मणिपुर में शांति आना असंभव सा है। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जब कहते हैं तो फिर अन्य राज्यों में भी घटनाएं घटती हैं, तो पर सब पर वो इन चीज़ें लागू होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र का ये नियम नहीं होता। संसद में जरूरी है नहीं कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा कौन नहीं रहेगा, वो वहाँ का विधायक दल वहाँ के पार्टी के जो भी लोग होंगे वो तय करेंगे, लेकिन संसद में चर्चा के लिए ये शर्तें रखना ये सब मुझे लगता है चर्चा से भागने का बहाना है। आखिरी सवाल है सर, ASI जो ज्ञान बाबू को लेकर सर्वेक्षण कर रहा है इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि लंबे समय से मामला है। मुझे लगता है न्यायालय के निर्देश पर पुरातत्व विभाग ने को एक सर्वेक्षण का काम दिया गया है। ASI हमारी एक ऐसी संस्था है जिसमें दुनिया में भी जिसकी प्रतिष्ठा है, तो सांस्कृतिक विरासतों को सच्चाई जानने के लिए हमेशा ASI जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग होता रहा है। न्यायालय ने निर्देश दिया है तो मुझे विश्वास है कि ASI अपने तथ्य जो न्यायालय को देगी उसे न्यायालय के काम में भी सुविधा मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पर इसी पे जो नाराज पक्ष है वो कोर्ट का दरवाजा, मुझे सब कुछ जाने का, न्यायालय में जाने का तो सबको अधिकार है, और न्यायालय में कोई एक पक्ष नहीं है, दोनों पक्ष ही रहे तो उनको ऊपर की अदालतों में जाने का अधिकार है, तो उसमें तो किसी ने किसी को रोका नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।